चलो देखिएगा इधर 2011 के प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर पहले बोला है 24, तो 24 नंबर यहाँ पर 2 स्क्वायर बोला है बुआ, ये प्रॉब्लम सब सब रंग के हैं, दो जिसका प्रॉब्लम है वो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बिल्कुल बोलिए आगे, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। रुक जाइए आप, देखो वृत्त का चतुर्थांश, पहले कोई वृत्त होगा ठीक है, इसका परिधि दिया हुआ है, वृत्त की परिधि दी हुई है, वृत्त की परिधि क्या होता है बुआ, वृत्त का परिधि कितना दे लिया पहले बताओ, 22 दिया हुआ है, 22 लिख दिए ना, आई होता है 2πr बराबर कितना बुआ, 22 2 × π का मान 22/7, त्रिज्या का मान मालूम नहीं है, बराबर कितने लिखेंगे, 22 से 22 क्या हो गया, एक बचेगा, अरे r का मान हमको चाहिए तो r को इधर छोड़ दो, 7 × 1 7 और 2 है गुना में भागेगा, क्या सेंटीमीटर आ गया त्रिज्या, त्रिज्या आया है, ये क्या आया है, हमको पूछा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश मतलब हुआ हुआ 4 बराबर भाग में बांट देगा, जैसे ये हुआ चतुर्थांश, बात समझ में आ रही है, तो हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4πr², तो लिखो यहाँ पर वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4πr² सेंटीमीटर। बताइए क्या प्रॉब्लम है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल समझ में आया, तो ये था डाउट नंबर फर्स्ट, यानी कि 24 का डाउट था, जो भी है चलिए नेक्स्ट, सही आंसर नहीं है, आंसर नहीं है, क्या बात करता है, यही तो आंसर है, ये बोला ना 9.62 नहीं, यही अरे वही है, भाग दो ना 9.8 9.7 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा यही आंसर होगा, अब बोला सुबह नेक्स्ट बोलिए ना, अगला क्वेश्चन कौन सा प्रॉब्लम है, 28 2 नंबर का प्रश्न है, समझिएगा यहाँ पे बोला है क्वेश्चन से कि बिंदु 1 − 1 − 4 − 6 − 3 − 5 जो कि वृत्त का शीर्ष है, बोला इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बिल्कुल आसान सा सूत्र यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, क्षेत्रफल का किसका क्षेत्रफल का क्षेत्रफल निकालना है बुआ, ABC लिख देना है, सबसे पहले बिंदु को लिख देना है 1 − 1, इधर क्या लिखेंगे और एक और बिंदु है, देखिए समझते हैं इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, पहले सूत्र याद रखना है आपको जरूरी, एरिया ऑफ ABC इक्वल टू 1/2 × x1 × y2 − y1 + x2 × y1 − y2, कोई प्रॉब्लम, इसी पे क्षेत्रफल आ जाएगा, समझते हैं, 1/2 × x1 का मान बताइए वो 1, x1 का मान 1, y2 का मान, अरे आता होगा नहीं आता है कि लिखना पड़ेगा x1 ठीक है, माइनस लिख दीजिए कहती है, देख नहीं लिख ले, तू भी तो बोली हो अभी, 1 − 4 − 3 कोई प्रॉब्लम, x1 x2 x3 लिखने में, ये x1 x2 और ये x3 होता है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक में नहीं, y1 की बात कर लेते हैं, y1 बोलो −1, y2 बोलिए 6 और y3 बोलिए, कोई दिक्कत नहीं आता, बस मान रखना है यहाँ पे, रखिए y2 का मान रख लिए हम लोग 6, y3 का मान बोलिए −5, दुलरुआ के नहीं गिरेगा तो दिक्कत होगा कि ना, x2 का मान −4, दुलरुआ मिल गया फिर घिर दो, y3 −5 फिर माइनस है, सूत्र से माइनस है, y1 का मान माइनस फिर से दुलरुआ, फिर से क्या करना है, x3 −3 है, x3 −3 है, दुलरुआ के y1 का मान बताइए −1 और y2 का मान बताइए, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में, किसी को भी दिक्कत है तो बोल दो, किन्हीं को भी दिक्कत है, नहीं 1/2 × देखिए बुआ
एक वैसे ही रहेगा, छ वैसे ही रहेगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इन्हें बुझे आता है तो जानो, माइनस को माइनस से गुना करते हैं तो प्लस हो जाता है, गुना में। किसमें? गुना में। लेकिन जोड़ घटाव रहेगा तब माइनस से रहेगा, लेकिन माइनस से रहेगा। हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ पे माइनस फोर, माइनस फाइव वैसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस एक, ठीक है। इसके बाद प्लस है, प्लस माइनस थ्री है, माइनस थ्री, माइनस एक, माइनस छ, माइनस सात, कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे चलते हैं, छ पाँच ग्यारह को एक बार पढ़ेंगे, कोई दिक्कत बताएगा बुआ? माइनस पाँच प्लस एक तो माइनस चार, चार चौका सत्या प्लस नरे जो रहता है जोड़ो, एक छ सात एक, एक दो और दो है ना, गुना कराएगा तो चौबीस ना आएगा सेंटीमीटर का थी, बिल्कुल नहीं, इका स्क्वायर क्या आएगा? बात समझे हो? जिनको नहीं समझ में आओ बोलो, इतना अगर पढ़े होगे तो जरूर समझ में आ रहा होगा। सातवां चैप्टर का है वो में नहीं हुआ है, सात तीन का है जी, नोट कीजिएगा अगर किसी को नोट करना है तो। चलिए आइए देखिए, सुनो, ए बी सी का मान दे दिया है तुमको, ठीक है। बोला है के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु क्या है, संरेख है, तीनों बिंदु क्या है, संरेख। हम लोग संरेख सूत्र यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर जीरो हो जाएगा, जैसे देखो मान लो ये त्रिभुज है, मान लेते हैं त्रिभुज के बिंदु को पकड़ के नीचे खींचेंगे तब तक जब तक ये रेखा पर नहीं आ जाता, तो बताओ रेखा पर आ जाएगा तो क्षेत्रफल जीरो हो गया कि नहीं? क्षेत्रफल कुछ बचा नहीं, सिर्फ लंबाई बचा, यानी कि क्षेत्रफल जीरो हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल अगर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा बुआ? संरेख सूत्र कहलाएगा। तो हमको संरेख सूत्र से किसका मान ज्ञात करना है? के का मान ज्ञात करना है। तो समझिएगा यहाँ पे के का मान आएगा कैसे, हाफ है उधर जाके साफ, बात खत्म करेगा, हाफ यानी कि दो है भाग में जाएगा, गुना में जीरो हो जाएगा ना, क्या बचा एक्स वन, एक्स वन नाम लिख दे कि एक्स वन एक्स टू, एक्स वन दो, एक्स टू चार, और एक्स थ्री कितना है, वाई वन तीन, वाई टू के, वाई थ्री, जिसको नहीं आता है समझ में बोलना, आता है समझ में ये सब बात? ये सब बात नहीं आ रहा? आता होगा, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा, आपको बातें खत्म करते हैं, एक्स वन, एक्स वन की जगह पर इंटू वाई टू के, वाई टू की जगह पर माइनस वाई थ्री, माइनस थ्री दुलरुआ को, समझ में आ रहा है ना? इधर समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए एक्स टू, एक्स टू की जगह पर चार इंटू वाई थ्री, माइनस तीन वाई वन तीन प्लस एक्स थ्री वाई वन वाई वन तीन वाई टू के, सूत्र से है ना माइनस बुआ, बराबर में क्या लिखेंगे? चलिए अब समझते हैं आगे, टू ऐसे ही रहेगा के माइनस माइनस प्लस, तो के प्लस कितना लिख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं, प्लस है प्लस, फोर है फोर, माइनस तीन माइनस तीन माइनस प्लस छ, अब वो घटेगा नहीं ना, घटेगा रे नहीं घटेगा, चलो ऐसे ही लिख, कोई दिक्कत आगे चलते हैं, एहो जुड़ेगा नहीं तो गुना करते हैं, दो को के बार पढ़ेंगे बोलो, दो को तीन बार पढ़ो, चार छक माइनस ना, माइनस ना रे, प्लस माइनस माइनस होता है ना, ये भी जुड़ेगा घटेगा नहीं इसलिए गुना करवाएंगे, बोल छत रे, छ को के बार पढ़ो बराबर में। अच्छा आपको लग रहा है कि छ अठारह चौबीस से चौबीस कैंसिल, अरे अठारह छ चौबीस में से चौबीस गया, दो के में से चार किया जाएगा बता बुआ, दो के में से चार किया जाएगा, चार के छ के ना, अरे दो के में से छ के ना जाएगा, छ के जाएगा, छ के जाएगा, बराबर में क्या लिखोगे? अब दो के में से छ के गया तो माइनस फोर के बराबर कितना, के का मान निकालना है तो जीरो बटा माइनस चार हो जाएगा, और कोनो संख्या बटा कितना हो तो ये क्या आएगा, तो के का मान क्या आ गया बुआ, ये तुम्हारा, बात समझ में आया या अभी नहीं आया समझ में? तो इसे के का मान निकालना था, और बोलिए 36 कोई बोल रहा था, चलिए नोट भी करना है किसी को, नोटो करना है, चलो नोट करो, देखो ध्यान दो, साइन थ्री ए बराबर है कॉस ए माइनस 26 डिग्री, पूछा है ए का मान क्या होगा अगर ए न्यून कोण है
ये कौन कौन है? न्यून कौन? न्यून कौन मतलब जीरो से बड़ा और आप से छोटा। वैसे ध्यान दो, दोनों सेटिंग में नहीं एक जैसा है ना, देख एक रंग होना बहुत जरूरी है। के एक रंग वाला सब चीज होता है, सेम चीज रहता है तो ज्यादा अच्छा रहता है, लड़की को ज्यादा पसंद है। के सेम कलर सब चीज में, तो इसे ही कुछ है। साइन है इधर कॉस है, तो पहले चेंज कर लेंगे वो किस में, या तो इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो। तो इसको चेंज करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम कॉस 90 माइनस 3। बोल कोई दिक्कत नहीं, कॉस 90 माइनस 3। इधर लिखा है वो कॉस ए माइनस कितना, नहीं लगता एक रंग हो गया कोई दिक्कत, कॉस से कॉस क्या हो गया हट जाएगा। साइन थ्री को लिख सकते हैं ना, कॉस 90 माइनस 3 ठीक है। कॉस से कॉस हट जाएगा तो बचेगा कथी 90 माइनस 3 बराबर a माइनस। अब सिंपल है, ए वाला को एक तरफ बगैर ए वाला के एक तरफ, दूसर तरफ मारेंगे माइनस थ्री 26 है जोर में, देख के बताओ माइनस 3 है माइनस ए जुड़ेगा ना, जुड़ेगा ना 116 आएगा देखता माइनस में कि प्लस में, माइनस माइनस क्या हो गया 116। देखो इधर है गुना में भागेगा भाग में, कोई ना कहेगा जोड़ चार भाग में है, जोड़ माइनस माइनस का प्लस के ना, रे काटो चार की आए 12 नहीं लगेगा, चार दूनी चार नहीं मां, एक का मान कितना है रे 29। ये क्या हो गया कर, देखिए 0 से बड़ा 90 से छोटा है, 0 से बड़ा 90 से छोटा छोटा, कोई प्रॉब्लम? इसको न्यून कौन बोलते हैं, उधर ना होगा उल्टा बोलो, 90 से छोटा कोई प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है? इस तरह से निकलेगा, पूछता है 2 नंबर में, क्या नंबर में देगा? 2 नंबर में, पहले 3 नंबर में पूछता, पहले क्या नंबर में? 3 नंबर में, और सब क्या नंबर में? 2 नंबर में। क्वेश्चन के बाद चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39।